मॉर्निंग, आज मैं आपको लौकी का यानी कई का हलवा डिजर्ट बना के दिखाने वाली हूँ। कई लोग इसे दूधिया भी कहते हैं और ये ज़्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते, इसकी सब्जी खाना या ख़ास करके छोटे बच्चे और कई हैं। इस वजह से अगर हम इसका डिजर्ट बनाएंगे, हलवा बनाएंगे तो घर में हर कोई भी खाता है और हम इसे किसी त्यौहार पे भी बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब हम इसे इसके लिए जो चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है लौकी जिसे मैंने धो के रख दिया है, और ये इलायची का पाउडर, ये ड्राई फ्रूट है जिसे मैंने काट के रख दिया है और उसे मैंने थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लिया, और ये है मावा, खवा भी कहते हैं लोग वो है, और ये है प्योर घी, आप डालडा भी ले सकते हैं, और ये है शुगर, और ये फूड कलर है हरा। तो अब हम इसका पहला स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लौकी का ये डंडी जो है वो काट लूँगी आगे पीछे की, और इसके ऊपर की स्किन जो है, स्किन है वो उसके ऊपर की स्किन मैं पील कर लूँगी। तो इस तरह से हम इसकी स्किन निकाल लेंगे और इसे फिर ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने इसे पील करके रख दिया है और अब हम इसे इस पर ग्रेट करेंगे। अब मैं इस पर इस तरह से सब ये लौकी ग्रेट कर लूँगी। दूसरा स्टेप करेंगे। तो मैंने स्टोव पे कढ़ाई रख दी है और ये जो है दूधी लौकी उसमें वो उसे मैंने दोनों हथेलियों में लेके उसका पानी निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें एक स्पून घी डाल रही हूँ और इसमें मैं ये जो लौकी है वो डाल के भूनूंगी, अच्छे से भूनूंगी, और इसका पानी मैंने दोनों हथेलियों में लेके अच्छे से निचोड़ लिया है क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। तो अब हम इसे घी में अच्छे से भूनेंगे। तो इस तरह से हमें भूनना चाहिए। अब इसे मैंने 2-3 मिनट भुना है और थोड़ा मैं 1 टेबल स्पून ये स्टील का पोहे खाने का नाश्ते का स्पून इसमें और घी डालूंगी, और अभी हमें और भुनना है। तो देखिए इसे हमें 10 मिनट भूनना चाहिए, अच्छे से स्लो स्टोव पर, इस तरह से स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना चाहिए। अब मैं इसे, ये मेरा 10 मिनट में अच्छे से भून चुकी है लौकी, तो अब मैं ये निकाल रही हूँ और निकाल के फिर बाद में इसमें खोया भूनूंगी। तो ये सब मैं अब भुनी हुई लौकी इसमें निकाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें 1 स्पून घी डाल रही हूँ और इसमें अब हम ये जो मावा है जो हमने लिया है वो हम
इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसे थोड़ा सुर्ख होने तक, थोड़ा सा रेड होने तक हम अच्छे से इसे भूनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे भूनना चाहिए। तो देखिए अब इसका कलर इस तरह से रेड हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बोल में। इस तरह से मैंने इसे भून के इस बोल में निकाल लिया है। देखिए अब मैंने पैन स्टोव पे रख दिया है और स्लो फ्लेम कर दिया है और अब मैं ये जो लौकी है वो इसमें डालूंगी पैन। अब इसमें ये जो शक्कर हमने लिया था वो अब मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे हम अब पकने देते हैं थोड़ी देर। मैंने इसमें दुधिया जो भुनी हुई थी उसमें मैंने शुगर डाली हुई थी तो इस तरह से हो गई है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो है इसमें मिक्स करूँगी ताकि ये हमारे लौकी को ज़रा कलर हरा आ जाए और इसे इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी जो शक्कर थी वो भी इस दुधिया में पिघल गई है, उसकी चाशनी जैसा हो गया उसमें मिलके और वो पिघल के इस तरह से थोड़ा सा ऐसी पतली हो गई है और पानी और अब उसी में मैंने थोड़ा सा हरा कलर जो फूड कलर है वो मिला दिया ताकि हमारी जो लौकी का हलवा है, डिज़र्ट है लौकी का, वो ज़रा ग्रीन कलर का दिखे। और इसमें अब मैं मावा डाल रही हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1 टी कप मिल्क भी डाल सकते हैं। इसमें हमें अच्छे से मावा मिक्स करना चाहिए। तो देखिए अब मैंने इसमें मावा जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें इलायची की पाउडर जो है वो डालूंगी। इसमें इलायची की पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हमें वो डालना चाहिए। अच्छा 1.5 टेबल स्पून इसकी पाउडर हमें इसमें डालना चाहिए। इसमें और थोड़ा मैं ड्राई फ्रूट जो हमने कट कर लिया था और मैंने ज़रा सा घी में उसे भून के रखा था तो वो भी इस पर मैं डाल दूँगी।
आप चाहे जितना आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो देखिए ये हलवा हमारा, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये लौकी का हलवा, लौकी का डिज़र्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे स्टोव को ऑफ कर दूँगी, फ्लेम बंद कर दूँगी। तो देखिए ये लौकी का डिज़र्ट रेडी हो गया है। तो अब इसे आप किसी भी त्यौहार में बना सकती हैं और ये बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते। तो देखिए ये लौकी जो है उसे लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, तो ये सब्जी के तौर पर कुछ लोगों को, तो इस वजह से मैं इसे ऐसा डिज़र्ट के रूप में आपको दिखा रही हूँ। और इसे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं और आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।